कोविड-19 के चलते इन दिनों बंगाली चौराहा इंदौर पर तैनात थाना तिलक नगर पुलिस सुरक्षा सदस्यों ने थाना तिलक नगर में बिना पास के घूमने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की। इसी के चलते तिलक नगर थाना सुरक्षा समिति के सभी सदस्यों के साथ सघन चेकिंग के दौरान जांच कर बिना काम के घूमने वालों को घर वापस जाने की हिदायत दी जा रही है। नहीं समझने के बाद पुलिस द्वारा कार्यवाही भी की जा रही है। इंदौर से राकेश सच्चर की रिपोर्ट। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जतीन है, मैं थाना तिलक नगर नगर सुरक्षा समिति का सदस्य हूँ। कब से सेवा दे रहे हैं सर यहाँ पे आप? यहाँ पर तो जब से कोविड-19 लगा है, जब से हमारी टीम सब जगह जो जो तिलक नगर थाना क्षेत्र के अंडर में आता है वहाँ हम लोग सेवा देते हैं हमारी, और इसके पहले से भी सेवा दे रहे हैं। और जो हमारे सदस्य है कुछ 20 साल पुराने, कोई 25 साल पुराने सदस्य है, जो हर त्योहारों पर और जो भी सहयोग लगता थाने पे हम लोग सहयोग करते थाने पे। कितने लोगों की टीम है आपकी? हमारी कम से कम जो एक्टिव टीम है, जो मतलब जो आ जाते हैंगे एक फ़ोन पे, वो है 60 लोग, ऐसे 150 लोगों की टीम है हमारी। सब लोग टाइम टू टाइम आ जाते हैं, सब वो लोग है जो कोई काम वाला है कोई क्या है। नियमों का पालन हो रहा है पूरा? जी, नियमों का पालन हो रहा है भाई साहब। आपके द्वारा करवाया जा रहा है? जी, हम लोग करा रहे हैं, सबको गाड़ी देख के चेक भी कर रहे हैं सबकी। जनता का सहयोग मिल रहा है आपको? बिल्कुल, कोई 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 मिल जाते हैं ऐसे जो सहयोग नहीं करते, कोई कोई नहीं मिलते, हम उनको भी कॉपरेट करना पड़ता सबको। आप कुछ अपील करना चाह पाएंगे इंदौर के लिए? जी भाई साहब, इंदौर की जनता के लिए आप कुछ अपील करना चाहेंगे आपकी तरफ? इंदौर की जनता से यही है कि आप लोगों ने अभी 2 महीने निकाल लिए, 1.5-2 महीने जो भी टाइम निकला है, और जो टाइम निकल रहा है वो टाइम अच्छे से निकाल लो, तो अपना इंदौर बच जाएगा, मध्य प्रदेश बच जाएगा, और हम चाहते हैं कि पूरा हिंदुस्तान बचे। धन्यवाद भाई साहब। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।